दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं आप अपनी वीडियो के अंदर वीडियो के बैकग्राउंड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं या फिर कौन सी एप्लीकेशन काम करती है या फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जिससे ऐसी नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक इस तरीके के पर्दे की। ये जो पर्दा आप दो कलर का ले सकते हैं जिनमें से एक कलर है ब्लू जैसा कि मेरे पीछे लगा हुआ है और दूसरा पर्दा है ग्रीन कलर का, यानी कि इस तरीके के दोनों में से किसी एक पर्दे को आप यूज में ले सकते हैं और उस पर्दे को बैकग्राउंड में आपको लगा देना है। याद रहे दोस्तों अगर आप उसे बैकग्राउंड में लगाते हैं तो आपके फेस या फिर बैक साइड पर्दे पर किसी भी तरीके की कोई परछाई नहीं दिखाई देनी चाहिए, यानी कि आपकी लाइटिंग कंडीशन इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि आपके फेस पर पूरी लाइट पड़े, आपकी बॉडी पर लाइट पड़े और बैकग्राउंड पर भी लाइट रहनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी शेडो नहीं आनी चाहिए। अगर शेडो आती है तो ये पूरी तरीके से अपना काम नहीं करेगा और बेस्ट क्वालिटी आपको कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो जानते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जाना है और इसमें प्ले स्टोर को आपको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर खुल चुका है, अब इसके अंदर हमें काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। KINEMAS ये ऊपर ही आप देख पा रहे होंगे ये आ गया है काइन मास्टर ऐप, इसको हम ओपन करेंगे। ये मैंने तो पहले से डाउनलोड करी हुई है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है, 100 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड अभी तक हो चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसे ओपन कर लिया है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने निकल के आता है। इसके अंदर हमें प्लस के आइकॉन पर एंटर करना है और जो रेशियो लेना है हमें वीडियो का वो 16:9 का रेशियो लेना है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें वो पिक्चर लेनी है जो हमें अपने बैकग्राउंड पर लगानी है, या तो वो कोई वीडियो हो या फिर वो कोई इमेज भी हो सकती है। तो हमें मीडिया पर जाना है, मीडिया में जाने के बाद मैंने तो एक जो मुझे पिक लगानी है वो पिक मैंने डाउनलोड करी हुई है, तो डाउनलोड में जाके उस पिक को निकाल लेते हैं। ये बैकग्राउंड मेरे को अपनी वीडियो में पुट करना है, यहाँ से ओके का साइन है इसे यस कर देंगे। अब ये पिक आपके वॉल पर आ गई है, अब इसको ड्रैग करके हम लंबा कर सकते हैं, जितनी लंबी हमारी वीडियो हो हम उतना इसे लंबा कर सकते हैं। ड्रैग कर लिया हमने इसे, वापस से स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ से ओके करना है। अब जो भी वीडियो हमें इसके ऊपर डालनी है वो वीडियो हमें सेलेक्ट करनी है। अब हम लेयर पे जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मीडिया पर जाएंगे, मीडिया में एंटर करने के बाद जो भी वीडियो हमें डालनी है जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है वो वीडियो हम ले लेंगे। ये वीडियो हमने सेलेक्ट करी है, पहली वीडियो है जो अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हमारी वो वीडियो आ गई है जिसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। इसको हम ड्रैग करके पूरी स्क्रीन पर फिट कर देंगे अच्छी तरीके से। इतना काम तो हो चुका है, ये 50% से ज़्यादा काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, साइड में यहाँ पर ऑप्शन फीचर्स खुल के आ रहे हैं कुछ, जिसमें फोर्थ फीचर है हमारा क्रोमा की का। क्रोमा की में जाएंगे, यहाँ से इसे अनेबल कर देंगे। ये हमने कर दिया। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी जो है वीडियो उस बैकग्राउंड के ऊपर आ गई है, लेकिन अभी यहाँ से कुछ सेटिंग है जो उसे करना पड़ेगा, वो करने के बाद पूरी तरीके से VFX कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन सामने निकल के आता है वो है सब्जेक्ट का, यानी कि हमारा जो वीडियो के ऊपर आने वाला है, और दूसरा है बैकग्राउंड का। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करके जहाँ पर भी कंप्लीट आ रहा होगा, पूरी पिक्चर आ रही होगी, वहाँ पर हम इसे रोक देंगे। नीचे बैकग्राउंड को भी उसी तरीके से लेंगे। अब इसे प्ले करके देखते हैं, ओके कर देंगे यहाँ से। अब इसे प्ले करके देखते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं हमने अपने पीछे की ब्लू स्क्रीन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हमने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर दिया है।
अगर इसमें थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आती है या फिर बैकग्राउंड सामने से नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपकी लाइटिंग कंडीशन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। लाइटिंग कंडीशन इतनी बेस्ट होनी चाहिए, उसके बाद हमें बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं हमने अपने पीछे की ब्लू स्क्रीन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद हमने एक ऐसा स्टडी रूम बना के दिया है आप लोगों को, या ये कह लीजिए हमने गूगल से एक पिक डाउनलोड करी थी, उसी पिक को हमने अपने बैकग्राउंड पे पुट कर दिया है। जो दिखाई दे रहा होगा एक पुराना वर्कशॉप या फिर एक पुराना बुक्स का लाइब्रेरी आपको नज़र आ रही होगी, कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड हमने इसमें डाल दिया है। इसी तरीके से आप भी अपनी वीडियो में अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको काम की लगी, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने सुझावों को, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।